It has been a year of silence, denial and injustice with Kashmir. We reject this treatment. और ये जो treatment हमारे साथ हुआ, यही सरकार नॉर्थ ईस्ट में लोगों के साथ, आप देखिए, नागा पीस अकॉर्ड करती है. चाइना में मिलिट्री को बोलती है आप डायलॉग करिए चाइना की मिलिट्री के साथ, जहाँ यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे. यही सरकार करतारपुर में पाकिस्तान से बात करती है और करतारपुर कॉरिडोर को पॉसिबल करती है. यही सरकार हर जगह जहां कुछ मुद्दे होते हैं वहां बातचीत से मसले हल करती है. तालिबान पीस टॉक्स में आप देखिए इंडिया की पोजीशन डायलॉग की है, और जब कश्मीर की बात आती है तो यहां डंडा चलाते हैं, फौज चलाएंगे या तो लोगों को डिटेंशन में करें. आज भी इस वक्त भी कश्मीर के नौजवान, सैकड़ों जवान जेलों में है. तो हमने आज की मीटिंग में वी हैव सॉट रिलीज ऑफ ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स, तमाम पोलिटिकल प्रिजनर जो जेलों में बंद हैं उनका हम मतलब वी सीक देयर रिलीज और इमीडिएट रिलीज. सेकेंडली जो नौजवान खासकर बंद है उनके लिए हमने बात की रिहाई के लिए, और खासकर हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट खुद अभी जो पहली और आखिरी वुमेन चीफ मिनिस्टर रही इस स्टेट की, और बेटी बचाओ का जो कैंपेन इस गवर्नमेंट का, इट्स अ फ्लॉड थिंग. तो एक फीमेल चीफ मिनिस्टर को आपने डिटेन किया इलीगली. पावरफुल गवर्नमेंट है, हम भी मानते हैं आप बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, आप चैलेंजेस लेते हैं. तो अगर आप तालिबान से बात कर सकते हो, अगर आप चाइना के साथ बात कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो करतारपुर पे, तो कश्मीर पे जब आपको अपने लोगों से बात करनी में इतनी शर्म क्यों है, इतना प्रेशर क्यों है, और वाई इज़ इट फॉर यू डिफिकल्ट टू एंगेज विद पीपल ऑफ कश्मीर